दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेणु वैद आज आपको बीएड सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आपका अनिवार्य आठवां पेपर जेंडर, विद्यालय एवं समाज के विषय के पाठ्यक्रम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो पेपर है वो 2 घंटे का होता है और ये पेपर जो है वो 35 नंबर का है। ये पेपर 2 खंडों में विभाजित होकर आपसे पूछा जाएगा। प्रथम खंड में 10 प्रश्न आएंगे, उनमें से 7 प्रश्न आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और आपका जो खंड ब है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। इस प्रकार कुल 10 प्रश्नों के उत्तर आप सबको देने हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी बीएड सेकंड ईयर के जो छात्र हैं वो मेरा वीडियो ध्यान से सुने, देखे और इसको नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको सिलेबस का ज्ञान होने पर ही आप नव भारती परिवार की तरफ से जो भी इससे रिलेटेड वीडियो आता है उसको ध्यान से देखें, क्योंकि इस महामारी के चलते जो वीडियो आपके सामने लाया जा रहा है ताकि आपको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। तो देखो बच्चों, अनिवार्य अष्टम पेपर जेंडर, विद्यालय एवं समाज क्या है। आपकी बुक का नाम है जेंडर, विद्यालय एवं समाज जो है इस बुक का नाम है। इसमें आपकी जो इकाई 1 है उसमें जेंडर मुद्दे मुख्य अवधारणाएं हैं। उसमें आपके 4 सब टॉपिक है बच्चों। पहला जेंडर, यौनिकता, पितृसत्ता, पुरुषत्व एवं नारीवाद। सेकंड जो आपका सब यूनिट है बच्चों वो है लिंगीय विभेद, लिंगीय रूढ़ी युक्तियां एवं सशक्तिकरण। तीसरा है आपका बच्चों जाति, वर्ग, धर्म, नैतिकता, अक्षमता एवं क्षेत्र के संबंध में निष्पक्षता तथा समानता। और आपका चौथा जो टॉपिक है बच्चों वो है ट्रांसजेंडर की चिंता एवं मुद्दे। ये है आपकी इकाई 1 के 4 सब टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट जो आपका है बच्चों इकाई सेकंड में देखिए बच्चों, भारत में सामाजिक करण की प्रक्रिया, परिवार, विद्यालय एवं समाज, ये है आपका। और इसमें जो आपका पहला टॉपिक है बच्चों वो है जेंडर पहचान तथा भारत के विभिन्न प्रकार के परिवारों में सामाजिकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम में जेंडर मुद्दे, जेंडर, संस्कृति एवं संस्था, वर्ग, जाति, धर्म एवं क्षेत्र का प्रतिच्छेदन, स्वतंत्रता के पश्चात पाठ्यक्रम निर्माण में जेंडर की भूमिका, एक विश्लेषण, जेंडर एवं छुपा हुआ पाठ्यक्रम, पाठ्य विवरण एवं कक्षा कक्ष प्रक्रिया में जेंडर, परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक, जीवन दक्षता तथा लैंगिकता। नेक्स्ट आपका इकाई सेकंड का सब टॉपिक है बच्चों द्वंद एवं संघर्ष स्थल, परिवार, पड़ोस एवं स्कूल तथा अन्य औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाओं में लैंगिक दुर्व्यवहार की पहचान को समझने की महत्ता। ये आपकी बच्चों इकाई सेकंड है। अब आता है बच्चों आपकी इकाई 3, जेंडर अध्ययन, शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसमें आपके बच्चों 4 सब टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें आपके बालिकाओं एवं महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में
सुधार के कुछ प्रयास। फिर है आपका नेक्स्ट संवैधानिक प्रावधान, संविधान के प्रावधान जेंडर के लिए, जो आपके जेंडर बताए गए हैं उसमें संविधान ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं उनके विषय में है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों आयोगों एवं समितियों की रिपोर्ट, नीतिगत प्रयास। नेक्स्ट है आपका बालिका शिक्षा तथा महिलाओं के संपूर्ण विकास हेतु विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम, समाज में व्याप्त जेंडर विभेद के निवारक के रूप में। तो आपने बच्चों देखा कि ये जो आपका अष्टम पेपर है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड है। अनिवार्य षष्ठम पेपर जिसका नाम है जेंडर विद्यालय एवं समाज, जिसमें बच्चों 3 इकाइयां हैं। पहली इकाई है जेंडर मुद्दे एवं अवधारणाएं, दूसरा है भारत में सामाजिकरण की प्रक्रिया, परिवार विद्यालय एवं समाज। इकाई 3 है जेंडर अध्ययन, शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इस प्रकार बच्चों ये जो आपकी इकाई है वो 3 भागों में डिवाइड है, और ये जो पेपर होगा बच्चों वो आपका 35 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 35 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 खंडों में विभाजित होगा। पहले खंड में 10 प्रश्न आएंगे, उनमें से 7 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। प्रत्येक जो होगा वो 2 अंकों का होगा बच्चों, और आपका जो दूसरा खंड है उसमें जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का होगा। तो बच्चों आगे के जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उनका सिलेबस मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना है, लाइक्स करने हैं, शेयर करने हैं, ताकि आगे के विषयों के जो भी सिलेबस है वो मैं आपको बता सकूं, ताकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। तो आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें बच्चों। इसी के साथ आपका अनिवार्य अष्टम पेपर का सिलेबस पूरा होता है, जेंडर विद्यालय एवं समाज। धन्यवाद।